नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारतीय सीमा पर 3 और राडार तैनात करेगा चीन। भारत से लगे सीमावर्ती हिमालयी क्षेत्र में हवाई निगरानी को मजबूत करने के लिए चीन जल्द ही तिब्बत में 3 मानव रहित राडार तैनात करेगा। ये राडार पिछले 8 साल से वहां तैनात एक राडार के अतिरिक्त होंगे। चीन का ये कदम भारत के लिए सामरिक मायने रखता है। सरकारी अखबार पीपुल्स डेली की खबर के मुताबिक गनबल पर्वत के शिखर पर चीन का प्रथम मानव रहित राडार 8 साल से तैनात है। एक राडार नेटवर्क स्थापित करने के लिए इस साल 3 अन्य मानव रहित राडार लगाए जाएंगे। ओवैसी को बढ़ावा दे रही है भाजपा, दिग्विजय ने कहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ही एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को बढ़ावा दे रही है। बिहार चुनावों से पहले दिग्विजय ने भाजपा पर पीछे से ओवैसी की मदद करने, बढ़ावा देने और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर ओवैसी को सभाओं के लिए पैसे देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पैसा भाजपा का है। उल्लेखनीय है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम महाराष्ट्र के बाद अब बिहार के चुनावी दंगल में भी उतर गई है। कुछ दिनों पहले ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया था। भारत में घुसपैठ कर सकते हैं 300 आतंकी। लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के करीब 300 आतंकवादी पीओके से भारत में घुसपैठ करने के मौके की ताक में हैं। पीओके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एवं सेना के सक्रिय सहयोग से 17 आतंकवादी शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये सूचना उस डोजियर का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा वार्ता के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज को सौंपे जाने के लिए भारत ने तैयार किया था, लेकिन वो वार्ता ही रद्द हो गई। खुफिया एजेंसियों ने शिविरों की सटीक स्थिति, हर शिविर में कितने लोग हैं, कौन सा शिविर पाकिस्तानी सेना की किस इकाई के प्रत्यक्ष निरीक्षण में है आदि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी जुटाई है।